नमस्ते दोस्तों। तो कल हमारे यहाँ है तीज और आज मैं देखिए मम्मी के लिए क्या क्या बना रही हूँ। तो ये है सेवई मीठी वाली, तो उसको घी में रोस्ट कर लिया गया है। उसके बाद मैं इसमें दूध डाल रही हूँ और एक पैकेट है छोटा वाला, सबसे छोटा वाला पैकेट है उसमें ये मैं दूध डाल रही हूँ 1 kg है। और इसके बाद 1/2 kg जो दूध को गाढ़ा करके डालूँगी अलग से वो। तो यहाँ देखिए, और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन और बोरो की। तो यहाँ पे मैंने छौंके में डाल दिया था ग्रीन चिली, हींग और मेथी। उसके बाद मैं एक टमाटर कट करके डाल दी। फिर सारे मिक्स मसाले जो घर बनते हैं वो मैं डाली, जिसमें ज़ीरा और रेड चिली पेपर और धनिया पाउडर। तो वो सबको भूनने के बाद फिर मैं यहाँ पे आलू ऐड की और आलू को 2 से 3 मिनट भूनी या 5 मिनट। उसके बाद ये बोरो मैं ऐड कर दी, पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हैं। और उसके बाद दोनों को साथ में भूनूंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और लास्ट में मैं बैंगन ऐड करूंगी क्योंकि बैंगन तो जल्दी पक जाती है इस वजह से। तो ये देखिए मैं बैंगन ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और उधर मेरी सेवई भी हो रही है। तो बैंगन डालने के बाद मैं इसे भूनूंगी 5 से 6 मिनट, उसके बाद पानी ऐड करूंगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे सेवई ऑलमोस्ट हो गया है। और इससे थोड़ा देर पहले मैं इलायची या थोड़ी देर बाद डालूंगी। हाँ अभी डाली इलायची कूट के दो, और फ्लेम ऑफ करने से थोड़ी देर पहले चीनी डालूंगी। और उसके बाद उसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो डालूंगी। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी इधर भून रही है। फिर मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और देखिए अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी। तो चीनी मैंने डाल दिया था, और उसके बाद मैं ये किशमिश डाली हूँ बस, और लास्ट में मैं कैश्यूज़ डालूँगी। तो ये देखिए ये बैंगन भी हो गया। तो बैंगन को मैं ये बीच बीच में तोड़ ले रही हूँ, तो क्योंकि अगर हमारे घर दिखता है तो बैंगन सब्ज़ी में पसंद नहीं करते हैं सब लोग। तो यहाँ देखिए मैं पानी ऐड कर दी, और ये मैं खीरा कट कर ली हूँ। साथ साथ बनेंगी पूड़ियाँ। तो पूड़ी के लिए मैं आटा गूंद ली थी जो कि थोड़ा टाइट ही था। और ये देखिए सब्जी हो गया है। अब इसको मैं कसूरी मेथी से गार्निश कर दी थी, और इधर पूड़ी भी बना ली मैं। तो ये हो गया सारा आइटम रेडी। तो इतनी ही चीज़ें बनाई थी मैंने। और यहाँ मैं कैश्यूज ऐड कर दी जो कि घी में पहले मैं रोस्ट करके निकाल ली थी। तो ये रही हमारी पूड़ियाँ, ये खीरा। थैंक यू फ्रेंड्स।